नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें बदक है और ये तालाब का उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। क्या नाम है आपका? अमर प्रसाद वर्मा। और जगह की बात करें तो? जगह कोल्हापुरी मूसरा। हाँ, पोस्ट मूसरा है। हाँ, तहसील डूंगरगढ़। हाँ, और जिला? राजनांदगांव। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ है। हाँ। तो ये बदक कब से पाल रहे हैं? बदक 6-7 साल हो गए, बहुत दिन के। अभी कितनी है? अभी 30 पीस है। अच्छा, और ये खुद ही निकाला है आपने हैचरी से? हाँ, वो बच्चा पूरा खुद ही निकाले हैं हैचरी से। ये वाले पुराने हैं? इधर वाले पुराने हैं। ये कितने महीने हो गए? इसको 2 साल हो गए इसको। और उधर वाले को? उधर को 3 महीना हुआ है अभी। अच्छा, और उसको बेचते हैं तो कितने? हाँ, में बेचते हैं? बच्चा 200-300 महीना के हिसाब से। हाँ, और पेरेंट्स है 600-700 रुपये में बेच देते हैं। अच्छा, इस तरीके से बेचते हैं। हाँ, ठीक है। और कोई अंडा वगैरह खरीदता है तो? अंडा तो मशीन में ही डाल देते हैं, अंडा तो नहीं बेचा। हाँ, हाँ। और बच्चा बेचते हैं? बच्चा बेचते हैं। तो इस तालाब का उपयोग क्या करते हैं? खेतों में पानी पिलाने? हाँ, खेतों में पानी और मछली पालन भी है। हाँ। साथ में बदक भी के काम आ जाते हैं। अच्छा, कौन सा मछली है? रोहा, कतला, कॉमन कार्प और तलापिया। अच्छा, ये डाले? हाँ। और ये आपका घर है? हाँ, एक घर है। पीछे खेत है क्या? ये आपका? हाँ, ही खेत है। हाँ, अपना ही है, 3 एकड़ खेत है। 3 एकड़? टोटल खेत कितनी है? टोटल ऐसे तो हमारा 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। हाँ, ठीक है। और इसके अलावा और क्या काम है? बस कृषि काम है और ये बदक पालन भी हो जाते साथ में। हाँ हाँ, तो बदक में और कोई प्रॉब्लम आता है? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। खर्चा कितना लगता है? खर्चा तो मतलब जो भी घर से बचते वही खिला देता ना, ऐसे कोई खर्चा ही नहीं है अपन। और कोई खर्चा नहीं आता? हाँ, कोई खर्चा नहीं है। जो घर से बचता है वही? हाँ, खिला देता। चावल सब्जी जो भी बच जाए या खुद से ही खा लेते डबरी में से। ये शौकिया तौर पर आपने? हाँ, रखा? शौकिया तौर पे बस। अच्छा। हाँ। तो हर साल तभी कितना बेच लेते होंगे? हर साल 100-200 पीस बेच लेते हैं। 100-200 पीस बेच लेते हैं। तो एक पीस का हिसाब कितना रुपये पकड़ के चलूँ मैं? एक पीस का वही 600-700 में। हाँ, अच्छा। तो उतने का 600-700 का 200 पीस बेचते हैं तो उससे गुना कर दें तो आपकी प्रॉफिट निकल आएगी, ऐसा है ना? हाँ, है नहीं? हाँ। और खर्चा तो उसमें नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं अलग से खर्चा। जो बच्चे रहते ना तभी दाना ला लेते। हाँ, जैसे 2 महीना तक खिलाते हो जो मुर्गी के बॉयलर वाले जो दाना थे ना, वही वाले तो जल्दी बड़े हो जाते बच्चे। तो उसमें कितना खर्चा हो जाता है? उसमें ये तो 5-1 किलो ला लेते हूँ सर। 5 किलो? तो कितना रुपया दाने का है? 40 रुपये किलो। 40 में? हाँ, तो वो खर्चा हो जाता। हाँ, है वही खर्चा। ठीक है। तो ये 5 किलो दाना खिलाते हैं ज़्यादातर? हाँ। यही कह रहे हैं ना? और खुद के बनाए हुए हैचरी से निकाल लेते हैं? हाँ, खुद के हैचरी से। ठीक है। और कोई खर्चा इस पे खर्चा नहीं करते हैं? और इसके अलावा इधर देखेंगे तो एक किनारे पे अमरूद लगा है, उधर आगे बढ़ेंगे तो हल्दी लगा है। ये आगे हल्दी लगा है ना? हाँ। और खेत में काका लगा थे? चना। चना लगा है? हाँ हाँ। और थोड़ा से बटर है खाइबर करके। हाँ, और धनिया है। धनिया है। हाँ। तो ये सब खेती इधर होती है। और ये जगह मूसरा के पास है। हाँ, मूसरा रेलवे स्टेशन है उसके। हाँ, पास है। हाँ। कोल्हापुरी गांव है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।